नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय 50 साल की हो गई हैं। बॉलीवुड में करीब 2.5 दशक पूरे कर चुकी विश्व सुंदरी अपनी खूबसूरती के साथ साथ डांस और एक्टिंग से भी लाखों को दीवाना बना चुकी है। ऐश्वर्या ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और हॉलीवुड फिल्मों में काफी नाम किया है। ऐश्वर्या का रुतबा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। वो आज भी बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस है। 828 करोड़ की नेटवर्थ के साथ वो पहले नंबर पर आती है। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस आज भी इनसे पीछे हैं। वो आज भी एक फिल्म के लिए 12 करोड़ चार्ज करती हैं। उनके कार कलेक्शन में 15 करोड़ की गाड़ियां हैं। ऐश्वर्या के जन्मदिन पर उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। ऐश्वर्या की खूबसूरती बचपन से ही सबका ध्यान खींचती थी। उन्होंने महज 9वीं क्लास में अपना पहला मॉडलिंग प्रोजेक्ट पूरा किया था। ये कैमलिन एग्जाम पेंसिल का एड था। कॉलेज टाइम में ही मॉडलिंग में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। धीरे धीरे उन्हें बड़ी कंपनियों की एड फिल्म्स के ऑफर मिलने लगे। उन्हें शुरुआत में एक एड की शूटिंग के लिए मात्र 1500 रुपए की फीस मिली थी। साल 1993 में ऐश्वर्या आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी के एड में नजर आई थी, जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया था। 1994 का साल ऐश्वर्या के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में भारत को रिप्रेजेंट करने गई थी, जहाँ ऐश्वर्या विनर रही थी। मिस वर्ल्ड बनकर ऐश्वर्या ने कहा था कि लोग उन्हें केवल ग्लैमर डॉल समझने लगे हैं। वो जहां भी जाती है लोग उन्हें ऐसे घूरते हैं जैसे उन्होंने कोई क्राइम कर दिया हो। वो अपने ही चेहरे को ही अपना दुश्मन मानने लगी थी और डिप्रेशन में चली गई थी। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या ने 1997 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म इरुवर से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसी साल उनका फिल्म और प्यार हो गया से बॉलीवुड डेब्यू भी हुआ था। 2 साल बाद ऐश्वर्या फिल्म ताल में नजर आई थी, जिसमें उनके एक्टिंग स्किल्स को काफी सहारा गया था। लेकिन उन्हें असल मायनों में स्टार बनाने वाली फिल्म हम दिल दे चुके सनम थी। ये फिल्म ऐश्वर्या को किसी ऑडिशन में नहीं बल्कि इत्तेफाक से हुई मुलाकात के जरिए मिली थी। बाद में इसी रोल के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 51 करोड़ कमाने वाली ये फिल्म साल 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। अगर अब उनके निजी जीवन की बात करें तो ऐश्वर्या का लव अफेयर भी बहुत चर्चा में रहा। फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या सलमान खान के काफी करीब आ गई थी। कुछ समय तक डेट करने के बाद सलमान ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन ऐश्वर्या ने मना कर दिया। सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर जाकर हंगामा किया। बाद में इनका रिश्ता बेहद खराब हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। दोनों ने साथ में मोहब्बतें, देवदास और जोश में काम किया था। दोनों की रियल लाइफ में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इसके बावजूद ऐश्वर्या को शाहरुख की 5 फिल्मों से निकाल दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ, इस बात का जिक्र सीधे तौर पर ना तो ऐश्वर्या ने किया और ना ही शाहरुख ने। करियर में डाउनफॉल होने के बावजूद ऐश्वर्या की नेटवर्थ पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऐश्वर्या 828 करोड़ रुपए की मालकिन है। वहीं अभिषेक बच्चन की संपत्ति 250 करोड़ रुपए के करीब है। उनके पास तकरीबन 20 ब्रांड एंडोर्समेंट्स है, जिससे वो सालाना 100 करोड़ रुपए कमाती है। हर ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस 6 से 7 करोड़ रुपए है। ऐश्वर्या की लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करें तो वो अभिषेक और आराध्या मुंबई में अमिताभ बच्चन और जया के साथ जलसा में रहते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 112 करोड़ है। ये घर मुंबई के जुहू में स्थित है। ऐश्वर्या ने खुद भी रियल एस्टेट में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐश्वर्या के लग्जरी कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास 5 करोड़ 25 लाख रुपए की रॉल्स रॉयल फैंटम, 4 करोड़ 38 लाख रुपए की रेंज रोवर वॉग, 3 करोड़ 80 लाख रुपए की बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी कार समेत मर्सिडीज बेंज एस क्लास, मिनी कूपर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। ऐश्वर्या ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की थी। इस दौर में शादी के बाद एक्ट्रेस फिल्मों से ब्रेक लेती थी, लेकिन 2011 में वो बेटी आराध्या की मां बनी। इसके बाद 2014 तक उन्होंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की। 2015 में उन्होंने फिल्म जज्बा से कमबैक किया, लेकिन ये फ्लॉप साबित हुई। इसी साल उनकी 2 और फिल्में सरबजीत और ए दिल है मुश्किल रिलीज हुई, जिसमें से ए दिल है मुश्किल हिट रही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।